हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे ओप्पो F19s में और एमआर रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से, तो ओप्पो की है डिस्प्ले 6.43 इंच की, एमआई की डिस्प्ले 6.67 इंच की और दोनों फ़ोनों का रेजुलेशन 1080x2400 24 पिक्सल। दोनों फ़ोनों में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और एमआई में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है और डिस्प्ले क्वालिटी में एमआई बेस्ट है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो ओप्पो का है स्नैपड्रैगन का 662 का सीपीयू, 2.0 का हार्ड ऑक्टे कोर का और 11 नैनोमीटर्स का फिनफैट, और एमआई का जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 732G का सीपीयू, 2.2 GHz ऑक्टे कोर का और 8 नैनोमीटर्स का फिनफैट, और प्रोसेसर क्वालिटी में एमआई बेस्ट है। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो ओप्पो का है ट्रिपल जो मेन कैमरा है 48 का और एमआई का है क्वाड में जो मेन कैमरा 108 MP का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो दोनों का सेम ही 16 MP का मिल जाता है। और बात की जाए बैटरी लाइफ की, तो ओप्पो में ही 5000 mAh की, एमआई में ही 5020 mAh की और दोनों फ़ोन की बैटरी लाइफ नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की, दोनों में है 33 वाट का, दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है, दोनों में आपको ट्रिपल सिम मिलती है, दोनों की है वारंटी 1 साल की, कनेक्टिविटी है 3G और 4G की। ओप्पो में रैम है 6 GB की, एमआई में है 6 GB और 8 GB की और ओप्पो की मेमोरी 128 GB की, एमआई में है 64 GB और 128 GB की और दोनों फ़ोनों में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है। बात करते हैं प्राइस की, तो ओप्पो का है स्टार्टिंग जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 17,999 रुपये और एमआई का है स्टार्टिंग 18,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।